हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे रेसलर की जिन्होंने WWE में नियम तोड़े और उनको इसकी पारी की कीमत चुकानी पड़ी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रो रेसलिंग की एक खासियत थी कि यह किसी भी चीज़ को कई तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है और WWE हमेशा इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ती रही है। इसी की मदद से विंस मैकमैन मैचों को फैंस के लिए यादगार बनाते आए हैं। मैच से पहले प्रोमोज पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि प्रोमो की किसी स्टोरी लाइन को दिलचस्प एंगल देती है। कोई स्टोरी लाइन दिलचस्प नहीं होगी तो लोगों को उसे देखने में मज़ा नहीं आएगा। ये बात जग जाहिर है कि प्रो रेस्लिंग में चीज़ें स्क्रिप्ट के अनुसार अमल में आती है, लेकिन WWE में ऐसा कई बार देखा गया है कि जब सुपरस्टार ने नियम तोड़कर अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश की है और इसके लिए उन्होंने काफ़ी भारी कीमत भी चुकाई है। नंबर पाँच पे है बतिस्ता। साल 2008 में बतिस्ता रॉक के मुख्य सुपरस्टार में से एक थे और उस समय उनकी फ्यूड क्रिस जेरिको के साथ चल रही थी। इसी दौरान 3 नवंबर 2008 के रॉक के एक एपिसोड के दौरान इनका में स्टील केज मैच लड़ा जा रहा था। मैच के दौरान बतिस्ता ने जानबूझकर खुद को क्षति पहुंचाई जिसकी वजह से खून भी बहना शुरू हो गया था। असल में स्क्रिप्ट के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं था। इस गलती के लिए दयानिमल को काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस घटना के बारे में बतिस्ता ने बताया कि विंस मैकमैन ने उन्हें $1,00,000 का जुर्माना किया बात थी। मुझे लगा था कि जुर्माना करीब $25,000 होगा। इस दिन से मुझे एहसास हुआ कि स्थिति भविष्य में और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। नंबर चार पर है बिग कैश। साल 2018 में बिग कैश और डेनियल ब्रायन की स्टोरी लाइन शुरू हुई। ब्रायन ने उससे कुछ हफ्ते पहले ही रिटायरमेंट से वापसी की थी। इस समय स्मैकडाउन के एक सेगमेंट के में कैश को ब्रायन को बिग बूट लगाना था, लेकिन उन्होंने ऑफ स्क्रिप्ट जाकर ब्रायन को कुछ पंच भी लगाए जिससे देख स्मैकडाउन गुस्से से आग बबूला हो गया। कैश ने इस घटना के बारे में कहा कि यह मुझे बड़े हील सुपरस्टार के रूप में प्रदर्शित करने के लिए रचा गया था। क्राउड से मुझे अच्छा रिएक्शन नहीं मिला, इसलिए मैंने क्राउड को और भी उकसाने के लिए पंच लगाए। नंबर तीन पे है केवी वंस और सेमी जेन। साल 2017 के अंतिम महीनों में WWE यूनाइटेड किंगडम का टूर कर रहा था। एक स्मैकडाउन के एपिसोड में केविन ओवंस, सेमी जेन, द न्यू डे और शेन मैकमैन मौजूद रहे। स्क्रिप्ट के अनुसार ओवंस और सेमी जेन को न्यू डे के हाथों पिटाई खाकर अपनी विपक्ष टीम को ताकतवर दिखाना था। पिटाई खाने के बजाय ओवंस और सेमी जेन रिंग से बाहर आ गए जिससे रिंग का माहौल बदल सा नजर आया। दोनों सुपरस्टार के बैकस्टेज काफ़ी आलोचना की गई और इसी घटना के कारण उन्हें घर वापस भेज दिया गया था। नंबर दो पर है डेनियल फ्यूडर। 2004 में WWE लेजेंड कर्ट एंगल ने थॉन्ग यंग के यूएस स्टार को चैलेंज किया था जिसके क्रिस नावारोकी ने दर्ज की और कर्ट एंगल के खिलाफ मैच प्राप्त की। दुर्भाग्यवश मैच में एंगल ने गलती से नावारोकी को रिप्स को क्षति पहुंचाई, लेकिन इससे एक अन्य थोइनो स्टार डेनियल फ्यूडर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए। जब फ्यूडर को एंगल के खिलाफ मैच मिला तब उन्होंने दिग्गज सुपरस्टार पर किमोरा लॉक लगाकर उन्हें क्षति पहुंचाने की कोशिश की। रेफरी ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए 3 काउंट पूरे करे और एंगल को विजेता घोषित किया। उसके बाद उन्होंने कभी मेन रोस्टर पर परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया गया। और नंबर एक पर है ट्रिपल। साल 1996 में केविन नैश और स्कॉट हॉल का WCW में जाना तय हो चला था। उससे पहले मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुए एक शो में ट्रिपल एच और स्कॉट हॉल का मैच हुआ। वही मेन इवेंट के स्टील केज मैच में शॉन माइकल और केविन नैश सामने सामने आए। मैच के बाद चारों सुपरस्टार एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए। विंस इस अनस्क्रिप्टेड मोमेंट से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो नैश और हॉल को सजा नहीं दे सकते थे, लेकिन इसके भुगतान ट्रिपल एच को करना पड़ा जिसके बाद बहुत बड़े पुश को ड्रॉप कर दिया गया था। तो ये थे WWE के ऐसे 5 सुपरस्टार जिनको उनकी गलती के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।